नमस्कार दोस्तों, के अंदर रेलवे आरपीएफ की जो एग्ज़ाम होने वाली है जिसमें कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में पूरी बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग मेनली 8 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगा, उसके बाद में वैकेंसी की डिटेल्स क्या क्या हैं, क्वालिफिकेशन क्या क्या है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, एज लिमिट क्या है, किस एज तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम का पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस पूरा पूरा मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगा। इसके अलावा किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए इस एग्जाम की, उसके कुछ टिप्स मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखो, सबसे पहले अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे 1 जून से फॉर्म फिलअप होंगे, 30 जून तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे और जो लास्ट डेट रहेगी पेमेंट करने की वो 2 जुलाई रहेगी, ठीक है। लेकिन आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, तो जैसे ही फॉर्म भरें तो वैसे ही आप लोग इसका पेमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। तो आप 1 जून से लेकर 30 जून के बीच में अपना फॉर्म जरूर से फिलअप कर लें। जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो सेप्टेम्बर या अक्टूबर के अंदर हो सकता है, टेंटेटिव यानी संभावित है, कन्फर्म नहीं है अभी भी। कन्फर्मेशन जब भी होगा तो हमारे चैनल पर आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं वैकेंसीज़ की बात करता हूँ तो यहाँ पे टोटल मिला के 9739 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से 8619 वैकेंसीज़ कांस्टेबल की है और 1120 वैकेंसीज़ यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की हैं। अलग अलग जोनल के अंदर अलग अलग कैटेगरी वाइज पूरा का पूरा इसके अंदर स्लाइड के अंदर आपको मेंशन किया हुआ है, तो आपके हिसाब से जो भी कैटेगरी है और जो भी वैकेंसीज़ के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे कांस्टेबल के लिए आप लोगों की 10th डिग्री होनी चाहिए, 10th पास होना चाहिए और सब इंस्पेक्टर के लिए आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। वो किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है लेकिन ग्रेजुएशन आपको सब इंस्पेक्टर के लिए और 10th लेवल यानी मेट्रिकुलेशन लेवल आप लोगों को कांस्टेबल के लिए चाहिएगा। इसके अलावा अगर मैं एज की बात करता हूँ तो यहाँ पर मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर होनी चाहिए कांस्टेबल के लिए और मैक्सिमम एज है 25 ईयर होनी चाहिए। मिनिमम एज सब इंस्पेक्टर के लिए 20 ईयर और मैक्सिमम एज सब इंस्पेक्टर के लिए 25 ईयर। अब यहाँ पे कुछ रेज रिलैक्सेशन दिए जाते हैं, यानी आपको आयु में कुछ छूट मिल जाती है, तो 5 ईयर की छूट यहाँ पे SC ST वालों को मिलती है, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम एज 30 ईयर तक हो सकता है और OBC वालों को 3 ईयर मिलती है, यानी कि मैक्सिमम एज 28 ईयर तक हो सकता है। PWD कैंडिडेट्स को यहाँ पे 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। अब मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर की, 4 स्टेप्स के अंदर यह सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, जिसमें मेन जो रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट वो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बारे में डिटेल में आपको सिलेबस भी बताऊंगा, पैटर्न भी बताऊंगा, धीरे धीरे इसी वीडियो के अंदर पूरा का पूरा बात करेंगे। इसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यहाँ पे और होंगे 2 चीज़ें। फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये आपके 4 स्टेप्स के अंदर होगा। मेन स्टेप जो रहेगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, जिसके आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में अभी बता दूंगा। अब देखो, फिजिकल एग्जाम पैटर्न फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए सबसे पहले जो आपका रिटन टेस्ट होगा जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन होगा, ठीक है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके 50 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस के होंगे, मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होंगे, यानी अर्थमेटिक बोल दीजिए या फिर आप लोग इसको मैथ्स मान लीजिए, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो 35 होंगे और 35 मार्क्स के ही होंगे। टोटल जो ड्यूरेशन आपको टाइम मिलेगा वो 90 मिनट्स का मिलेगा। आप 90 मिनट्स में आपको सारे क्वेश्चन 120 क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट करने होंगे। अब इनका सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करनी है, पूरा डिटेल के अंदर अभी आगे बात करने वाले हैं इसी के बाद। अभी बस मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि एग्ज़ाम कैसा आप लोगों से लिया जाएगा। अब देखो दोस्तों, मैंने पैटर्न बता दिया है इस टेस्ट का, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, ठीक है। इस ऑनलाइन टेस्ट की अगर आप लोग घर बैठे ही तैयारी करना चाहते हो तो हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है bankers.org, उसके ऊपर विजिट कर लीजिए। अभी वहाँ पे रेलवे का कोई कोर्स नहीं है आज की डेट में, ठीक है, यानी कि मैं जब जिस डेट को ये वीडियो डल रहा होगा उस डेट तक कोई रेलवे का कोर्स नहीं है, लेकिन जल्दी ही विद इन 1 वीक हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो एक बार आप उसकी जानकारी के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कॉल भी कर सकते हैं, या फिर ये नीचे दी गई वेबसाइट के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस में घर बैठे ही आप लोग तैयारी कर सकते हैं। चलो अब अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिजिकल सिलेबस में डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन लोगों की, सर फिजिकल एफिशिएंसी क्या होगा। देखो, कॉन्स्टेबल के लिए मेल के लिए यहाँ पे 5 मिनट 45 सेकेंड के अंदर 1600 मीटर की यहाँ पे रेस इनको करनी होगी, यानी कि दौड़ लगानी होगी, ठीक है। 800 मीटर की रेट रहेगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर 5 मिनट 45
सेकंड में, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर, ठीक है। इसके बाद में लॉन्ग जंप होगा एक, वो 14 फीट मेल कैंडिडेट्स के लिए, 9 फीट यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, 4 फीट हाई जंप होगा मेल कैंडिडेट्स के लिए और 3 फीट हाई जंप होगा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये इतना बड़ा कोई इतना ज़्यादा टास्क नहीं है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आ सकते हैं, लेकिन पहले एग्जाम जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसकी तैयारी हम लोगों के लिए करनी है। इसी तरीके से नीचे अगर सब इंस्पेक्टर की मैं बात करूँ तो 1600 मीटर का यहाँ पर रन होगा 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर, यानी कि थोड़ा सा फिजिकली हो सकता है मतलब कम हो जाएगा, वहाँ पे 5 मिनट 45 सेकंड हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम आपको लगभग 45 सेकंड्स यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा दिए जा रहे हैं। और फीमेल्स के लिए यहाँ पे 4 मिनट के अंदर 800 मीटर की रेस आप लोगों को भागनी होगी, और लॉन्ग जंप के लिए 12 फीट और 9 फीट है, और 3 फीट 9 इंच यहाँ पे हाई जंप होगा, और 3 फीट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होगा। लेकिन देखो ये यहाँ पे क्या है कि सब इंस्पेक्टर का जो टेस्ट का लेवल होगा ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा लेवल अप होगा जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट थोड़ा कम होगा सब इंस्पेक्टर के लिए, और कॉन्स्टेबल के लिए थोड़ा सा उसकी डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी। अच्छा ये जो पैटर्न है ये कॉन्स्टेबल, कोई कन्फ्यूजन ना, कॉन्स्टेबल और SI यानी कि सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए सेम रहेगा, सिलेबस भी सेम रहेगा, बस पेपर का लेवल में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कॉन्स्टेबल में थोड़े इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और थोड़े से कॉन्स्टेबल के कंपेरिजन में थोड़े से हार्ड क्वेश्चन SI के अंदर पूछे जाएंगे, थोड़ा सा लेवल ऊपर कर दिया जाएगा उनका, बस इतना सा फ़र्क रहेगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अगर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हाइट वगैरह की बात है तो यहाँ पे OBC अनरिजर्व कैटेगरी, OBC SC ST मेल फीमेल सभी दिए हुए हैं, तो आप अपनी जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वहाँ पे आप लोग सेंटीमीटर्स के अंदर अपनी हाइट वगैरह मेजर करके देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि मैं इस फॉर्म को फिलअप करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा अपनी कैटेगरी SC ST OBC जहाँ भी आप मेल फीमेल वो आप लोग देख के अपनी हाइट वहाँ पे मेजर कर सकते हैं कि कितनी आपको हाइट चाहिए। अब देखो हाइट इसमें चेस्ट भी चाहिएगा, हाइट चेस्ट और ये तीसरा एक्सपेंडेड, ठीक है, जो चेस्ट फुला के बोलते हैं ना वो, यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं डाटा, और उसको आप लोग पहले चेक कर सकते हैं, अपने चेस्ट को चेक कर लीजिए, अपनी हाइट को चेक कर लीजिए, उसी के बाद डिसाइड कीजिए कि आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। अब मैं बात करता हूँ सिलेबस फॉर ऑनलाइन एग्जाम, यानी जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो आपका पहला टारगेट होगा, जो आपकी पहली स्टेप होगी, उसके अंदर 3 चीज़ें पूछी जाएंगी, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, SI और कॉन्स्टेबल दोनों के लिए सिलेबस सेम रहेगा, या आपका जनरल अवेयरनेस के लिए सिलेबस है। यहाँ पे जो मैक्सिमम पोर्शन रहेगा ना वो करंट अफेयर्स का ही रहेगा, मैं आपको बताया था। तो सबसे पहले आपको करंट अवेयरनेस ज़रूरी है, करंट इवेंट्स एंड सच मैटर एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन, यानी कि जो करंट अफेयर्स है, आप कोई भी एक वेबसाइट पकड़ लीजिए, ऑनलाइन कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से जो भी करंट अफेयर्स हैं वो पढ़ते रहिए डेली बेसिस का। एग्ज़ाम से पहले 6 मंथ का आपको करंट अफेयर तैयार करना है, और ये वाला जो पोर्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मार्क्स ये कंटेन करेगा। तो डे टू डे लाइफ के अंदर आप लोगों को एक हैबिट बनानी है कि किसी भी एक वेबसाइट के ऊपर या ऐप के ऊपर आपको डेली बेसिस का सुबह सुबह उठते ही 15-20 मिनट के अंदर करंट अफेयर पढ़ना है। इसके अलावा आप लोगों से हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट, जनरल साइंस, इसके एकदम बेसिक क्वेश्चन 10th लेवल तक के आप लोग मान सकते हो, वहाँ तक पूछेगा, ठीक है। 10th लेवल आपका SI हो या कॉन्स्टेबल, ये वाला जो सिलेबस है ये पूरा पूरा 10th लेवल ही पूछेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उससे ऊपर आपकी स्ट्रीम चेंज हो जाती है, कोई कॉमर्स में चला जाता है, कोई आर्ट्स में चला जाता है, कोई साइंस में, तो वो 10th तक का ही लेवल रखेगा। तो आप लोग 10th तक की NCERT की बुक्स को फॉलो कर सकते हो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स लिए। इसके आगे अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक की, तो यहां पे मैथ से 10th लेवल तक की ही ये मैथ से, इसका सिलेबस हम बहुत अच्छी तरीके से करवा रहे हैं ऑनलाइन, तो आप लोग ये जो नंबर है इस पे एक बार बात कर लीजिएगा, मैं दोबारा लिख देता हूं 8955974739, यहां पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी किस तरीके से ऑनलाइन कोचिंग कराई जाती है। अब देखो अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल सा सिलेबस है, 10th लेवल तक का नंबर सिस्टम, होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस यानी प्लस माइनस, गुणा भाग, वही सब पूछा है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स यानी जो आप जिसको DI बोलते हो आप लोग, और मेंसुरेशन यानी कि जो ज्योमेट्री वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारे आप लोगों के टॉपिक रहेंगे। अब ये टॉपिक तो ईजी आएंगे, क्वेश्चन का लेवल भी ईजी रहेगा, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा टाइम का इश्यू रहेगा, क्योंकि आप लोगों को जो टाइम दिया जाएगा वो लिमिटेड दिया जाएगा, यानी कि आपके जो 120 क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको 90 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा, तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लिमिट में क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। तो हम लोग बैंक फील्ड में बहुत सालों से हैं, तो बैंक में भी ये टाइम वाला इश्यू होता है, तो अब इस एग्ज़ाम में भी टाइम का बड़ा ही इंपॉर्टेंस रहेगा, तो आप लोग टाइम का बिल्कुल ध्यान रखें, हमारे चैनल को फॉलो करें, मैं बड़े ही शॉर्ट ट्रिक से आप लोगों को
टॉपिक्स करवाता रहता हूँ, तो आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्कोर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा। आप हो सकता है जीके में आपने कुछ पढ़ा हो नहीं आया हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप पढ़ के चले जाएंगे तो 100% ये 35 मार्क्स आपके हाथ में आ सकते हैं। अब मैं रीजनिंग की बात अगर करता हूँ, तो जो एसएससी का लगभग जो एसएससी सीएचएसएल लेवल तक का जो आपका या सीजीएल लेवल तक की जो रीजनिंग पूछी जाती है वही यहाँ पे पूछी जाएगी। एग्जीटीज जो लोग एसएससी की अगर कभी तैयारी की है तो सेम टू सेम वैसा सा ही कुछ सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज जो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से बोल देगा इसमें सिमिलर कौन है, डिफरेंस डिफरेंट पूछ लेगा। जजमेंट सोल्विंग एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछ, डिसीजन मेकिंग पे, यानी कि आप लोगों को एक सिचुएशन दे दी जाएगी, आपको फिर उसके अंदर कुछ डिसीजन दिए जाएंगे, आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा डिसीजन इसमें सही होगा। विजुअल मेमोरी यानी कि आपको कुछ वो पेपर कटिंग वगैरह उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट में से पूछा जाएगा, ब्लड रिलेशन में से पूछा जा सकता है। अर्थमेटिक रीजनिंग यानी कुछ नंबर्स के ऊपर सीरीज बना के दी जाएंगी, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्बल रीजनिंग पूछी जाएगी, फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर्स के अंदर वही पेपर कटिंग का हो गया, आपको एक बड़ा फिगर दे देगा उसमें से एक छोटा फिगर निकाल के ऑप्शंस में दे देगा, पूछेगा इस बड़े वाले फिगर का एक कौन सा छोटा वाला फिगर हिस्सा है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज यहाँ पे पूछी जाएगी, नॉन वर्बल सीरीज पूछी जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाएगा, स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, सिलोलॉजिस्टिक रीजनिंग एंड सिलोलॉजिज्म जो होते हैं ना आपके, सम ए आर बी, उस टाइप के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये पूरा एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को सिलेबस का दिया है। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कैसे आप लोग तैयारी करो। सबसे पहले तो आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि आप जीके कैसे पढ़ेंगे, आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को सिंपल तरीका बता देता हूँ। जो जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है उसको 2 पार्ट में पढ़िए, करंट अवेयरनेस और एनसीईआरटी की बुक, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, वहाँ से सफिशिएंट कंटेंट मिल जाएगा आपको। 8th से लेके 10th तक की बुक पढ़ लीजिए, 8, 9, 10th की सफिशियंट है, ठीक है। अगर आपका थोड़ा सा लेवल पहले से ही अच्छा है तो आप 9, 10th को रेफर कर सकते हैं, 8th को छोड़ दीजिए। अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है तो 8th क्लास से आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो कर सकते हो, वहीं से आप लोगों से पूरा कंसेप्ट पूछा जाएगा, चाहे वो आपका जियोग्राफी हो, साइंस हो, चाहे कोई भी कंसेप्ट हो, वो एनसीईआरटी की बुक से ही लगभग पूछा जाएगा। और करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे लास्ट जो 6 मंथ का है वो पूछना है। मैथ्स के लिए आप लोग कोई भी बुक फॉलो कर लीजिए, कोई भी अर्थमेटिक की बुक फॉलो कर लीजिए, कोई मैटर नहीं करता उसमें कहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स कंसेप्ट पे चलता है, क्वेश्चन ज़्यादा मैटर नहीं करते, कंसेप्ट आपको क्लियर है आप कैसा भी क्वेश्चन बना लेंगे। तो कोई भी बुक फॉलो कर लीजिए, लेकिन सॉल्यूशन उस बुक के फॉलो मत कीजिए। सॉल्यूशन आप लोगों को आपको ट्रिक्स के साथ करने पड़ेंगे, जो ट्रेडिशनल मेथड है वो फॉलो मत कीजिए। ट्रिक्स के साथ क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, उस टाइम लिमिट के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करना है, इसलिए मैथ्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रीजनिंग में भी वही है, आप लोग कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर लीजिए, लेकिन जो आपके तरीके होने चाहिए वो टाइम लिमिट में क्वेश्चन सोल्व करने वाले होने चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल से वीडियोज़ देखिए और सेम टॉपिक की किसी भी बुक से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अपडेट रखिए खुद को कि भाई क्या चेंजेज हो रहा है, कुछ रेलवे की कुछ अपडेट हो रहा है या कुछ सिलेबस या कुछ एग्जाम पैटर्न में अगर कुछ अपडेट होता है तो खुद को अपडेट रखना सीखो। टॉपिक वाइज स्टडी करो, सबसे पहले मॉक टेस्ट वगैरह कुछ नहीं लगा रहा है, सबसे पहले टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक उठा लो कि पहले मेरे को जियोग्राफी पढ़ना है, फिर पॉलिटी पढ़ना है, अर्थमेटिक में पहले मेरे को रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, फिर डीएफ, एकदम टॉपिक वाइज पहले खुद को तैयार करो। एकदम बेसिक, ज़्यादा हाई लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है कि आप गेट लेवल का ही पढ़ने लग जाए, एकदम बेसिक बेसिक लेवल पर पढ़ लीजिए, उसके बाद में आप लोग टेस्ट पेपर रेलवे के ले आइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन सबसे पहले टॉपिक वाइज स्टडी करना बहुत जरूरी है। जीके को एक हथियार की तरह, वेपन की तरह काम में लीजिए, क्योंकि जीके में ये हो जाता है कि जीके जिसका स्ट्रोंग होगा वो 50, एक तो 50 मार्क्स का है, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऊपर से अगर जीके में आता है तो एरर होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। मैथ्स रीजनिंग में किसी क्वेश्चन में एरर हो सकता है, आपसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, जीके में कोई एरर नहीं होता, अगर आपको आता है तो कंफर्म नंबर मिलते हैं। तो जीके को वेपन की तैयारी कीजिए और जीके को डबल टाइम दीजिए, क्योंकि मार्क्स भी ज़्यादा है। तो जीके को अगर आप अगर टोटल 6 घंटे की स्टडी करते हैं तो आप 3 घंटे जीके को दे, 1.5 घंटे मैथ रीजनिंग पढ़े। अगर आपका कमजोर है मैथ रीजनिंग तो थोड़ा टाइम ज़्यादा दे सकते हैं अगर जीके अच्छा है पहले से तो, लेकिन जीके को ज़्यादा तैयार करना बहुत जरूरी है क्योंकि मार्क्स ज़्यादा है। टाइम मैनेजमेंट पहले दिन से ही करना सीख लीजिए कि क्वेश्चन को टाइम लिमिट में ही सोल्व करना है। जीके में तो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आता है तो टिक लगा दोगे, लेकिन मैथ्स रीजनिंग में टाइम मैटर करेगा। वहाँ पे मॉक टेस्ट जो आप लोग देते हैं, जो कि ऑनलाइन टेस्ट की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं किसी वेबसाइट से परचेज करके, तो वहाँ पे मॉक टेस्ट का ट्रायल कीजिए। कभी आप मैथ्स पहले करो, कभी रीजनिंग पहले करो, कभी जीके पहले करो, आप देखो कि कहाँ पे आप लोग ज़्यादा परफॉर्म कर पा रहे हो और अपने वीकनेस और अपनी स्ट्रॉन्ग, इस टॉपिक में मैं अच्छा हूँ, इसमें वीक हूँ, आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको पता रहे अगर 2 क्वेश्चंस में सेलेक्ट करने की बारी आए टाइम में कि किसको करना है किसको छोड़ना है तो आप लोग वो कर पाए। तो मॉक टेस्ट के साथ ट्रायल कीजिए, अपनी वीकनेस को निकालो और अपनी स्ट्रेंथ को निकालो और उस पर फिर काम करो।
रिवीजन टाइम टू टाइम होना चाहिए। देखो ह्यूमन माइंड का एक चक्कर होता है कि वो 24 घंटे बाद भूलनी स्टार्ट हो जाता है चीज़ें, तो सबसे पहला जो रिवीजन होता है वो आपका 24 घंटे बाद हो जाना चाहिए। उसके बाद में 7 डेज में रिवीजन होना चाहिए, और उसके बाद में जो आप पढ़ रहे हो उसका हर 15 दिन के अंदर रिवीजन होना ही होना चाहिए, नहीं तो आप भूल जाओगे, पढ़ा हुआ काम ही नहीं आएगा। इसलिए आज जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ी तो कल उसको रिवाइज कीजिए एक बार, ऐसे मतलब फटाफट फटाफट। जैसे 2 घंटे कल पढ़ा तो उसको 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो, दूसरे दिन 10 या 20 मिनट के अंदर। फिर 7 दिन बाद उसको दोबारा रिवाइज करो, 15 दिन बाद दोबारा रिवाइज करो। तो एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए आपके पास। आप पेपर पर लिख करो कि आज की डेट में मैंने ये पढ़ा है, इसका रिविजन डेट आगे लिख दो कि ये 4 बार एग्जाम से पहले रिवाइज होगा। तो उसके हिसाब से आप लोग रिविजन प्लान होना चाहिए आपके पास में। परफॉर्म लाइक हीरो, आपको टेंशन नहीं लेनी है कि वैकेंसी कम है, भीड़ बहुत ज़्यादा आएगी, कुछ नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आपको आता है, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बस आप अपनी मेहनत करो और प्रॉपर तैयारी करो। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, आपको खुद के अंदर ही कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि हाँ मैं तो इस बार सेलेक्ट होऊंगा, तो उसके बाद में कोई नहीं रोक सकता आपको। एक लास्ट पॉइंट मैं जरूर डिस्कस करता हूँ हर वीडियो में कि प्रॉपर डाइट और टेंशन फ्री रहना है आप लोगों। प्रॉपर डाइट इसलिए कि अगर एग्जाम टाइम आ रहा है, बहुत सारी एग्जाम्स आ रही हैं, और भी रेलवे की एग्जाम्स आ रही हैं, बैंक से एग्जाम आ रही हैं, अगर आप स्टेट वाइज भी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, तो अगर आप लोगों का हेल्थ सही नहीं रहेगा, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, तो आप तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। तो टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है। प्रॉपर डाइट रखें, खाना एकदम से टाइम पे खाएं, ऐसे नहीं कि रात को 3 बजे तक पढ़ रहे हैं फिर 2 बजे खाना खा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं। एकदम प्रॉपर डाइट रखो, टेंशन फ्री रहो, शरीर का ध्यान रखोगे तभी वो आपका साथ देगा तैयारी करने में। तो वो चीज़ें आप लोगों को भी ध्यान रखनी है। तैयारी सिर्फ पढ़ाई से नहीं होती, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मैटर रखती हैं। की पॉइंट्स का मैं आप लोगों के साथ सारे डिस्कस कर चुका हूँ। मेन चीज़ इसी के अंदर ये डिस्कस करनी थी कि जब आप मॉक टेस्ट दें तो उसको एक्चुअल एग्जाम की तरह लें, ठीक है, और आप उसके अंदर अपनी गलतियों को निकालें, और एक गलती एक बार कर दी उसको रिपीट ना करें कभी भी, ठीक है। तो गलतियाँ रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक गलती एक बार कर ली उसको नोट डाउन करो और उसके ऊपर काम करो कि आगे आने वाले टाइम में वो गलती नहीं। जैसे आपने कहीं पे कोई कैलकुलेशन एरर की, तो आप उसको देखो कि ऐसे टाइप की कैलकुलेशन एरर मैं क्यों कर रहा हूँ और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। आपने कोई कंसेप्ट आपका गलत है, उस वजह से कोई मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो गया आपका, तो आप देखो कि कहाँ कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, उसको सुधारो। एक बार गलती कर दी उसको रिपीट नहीं कर रहा है। अगर आप रिपीटेडली सेम गलती दोहराए जाएंगे तो आपका प्रैक्टिस करने का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगा ही नहीं। इसलिए एक गलती जो कर दो उसको दोबारा बार बार रिपीट नहीं करना है, और अपनी तैयारी को एकदम से सही तरीके से ले जाना है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अगर इन्हीं रेलवे एग्जाम्स के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट वगैरह है, तो वो कोई टॉपिक आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस पर जरूर से ध्यान देंगे। थैंक यू वेरी मच, मुलाकात होगी अगले वीडियो में।